भाई मामा की शादी हो तो कार्ड पर लिखा होता है मेरे प्यारे मामा की शादी में जरूर जरूर आना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के कार्ड पर कोई पीएम मोदी की तस्वीर छपवा दे और उस पर लिखे वोट फॉर बीजेपी। कहानी अजीब है लेकिन सच है। सोशल मीडिया पर एक शादी का कार्ड खूब वायरल हो रहा है जिस पर देश के प्रधानमंत्री की फोटो के साथ लिखा है वोट फॉर बीजेपी। पीएम मोदी की फैन फॉलोइंग इतनी कि तेलंगाना की एक व्यक्ति ने अपने बेटे की शादी के कार्ड पर पीएम मोदी की तस्वीर छपवा दी। दरअसल नरसिम्हुलु तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के कंडी मंडल के अर्तुला गांव के मूल निवासी हैं। नरसिम्हुलु का पूरा परिवार पीएम मोदी की खूब सराहना करता है। 4 अप्रैल को इनके बेटे साई कुमार की शादी है। शादी के कार्ड बांटे तो सोशल मीडिया पर ये चर्चा का विषय बन गया। इतना ही नहीं, अपने मेहमानों के लिए उन्होंने कार्ड पर लिखवाया है इस जीवांत अवसर पर मोदी जी को आपका वोट मेरे लिए एक उपहार के अलावा और कुछ नहीं है। साथ ही नरसिम्हुलु का कहना है कि दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव के बाद जनता के कल्याण के लिए कड़ी मेहनत करने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाएगा। 500 वर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा करने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। इसीलिए हमने शादी के निमंत्रण पर उनकी तस्वीर छपवाई। ये उनके प्रति हमारा प्यार और स्नेह है। हमने कभी नहीं सोचा था कि ये सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। ऐसा करने में हमारा कोई राजनीतिक इरादा नहीं है। अप्रैल 24 को इनका बेटा का शादी है। इसके कार्ड के ऊपर नरेंद्र मोदी का फोटो प्रिंट हो गया। सो ही इज वेरी फैसिनेटेड अबाउट नरेंद्र मोदी एंड ही इज वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट हिज पॉलिसीज एंड ही फॉलोज नरेंद्र मोदी। అండ్ ఇఫ్ యు సీ నా పెళ్ళికి మీరు ఇచ్చే బహుమతి నరేంద్ర మోడీకి మీరు వేసే ఓటు. సో హీ మెన్షన్డ్ లైన్ హియర్ లైక్ ఫర్ హీ సన్స్ గిఫ్ట్ జస్ట్ ఓట్ ఫర్ నరేంద్ర మోడీ దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ గిఫ్ట్ ఫర్ హీస్ సన్స్ మ్యారేజ్. సో ఇట్స్ వెరీ హంబల్ అండ్ సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు ఓట్ బీజేపీ అండ్ ఈవెన్ ఐఎమ్ ఆల్సో వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ మోడీ. दरअसल 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक देश भर में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट जारी भी कर दिया जाएगा। इसी को लेकर सियासी सरगर्मी बनी हुई है। इसी बीच हम आपके लिए ये रोचक कहानी लेकर आए हैं। लोकल 18 तेलंगाना से कुमारी वीरना की रिपोर्ट।